राजस्थान राज्यसभा के चार सीटों के हुए मतदान के बाद मतगणना 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन दिल्ली में शिकायत के बाद मतगणना फिलहाल रोकी गई है। संख्या बल के लिहाज से 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों और 1 सीट पर भाजपा उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। इस तरह राजनीतिक के चाणक्य और जादूगर माने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति कामयाब होती हुई नजर आ रही है और भाजपा की कांग्रेस में सेंधमारी की गणित गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और समर्पित विधायकों को लामबद्ध करने की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में 126 वोट पड़ना दावा किया गया, तो वहीं भाजपा के 2 वोट आपत्ति जताई गई। धौलपुर के भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भाजपा उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी की बजाय कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद तिवाड़ी को वोट दे दिया। इसके अलावा गढ़ी के विधायक कैलाश मीणा से वोट डालने में गलती हुई। वहीं भाजपा उम्मीदवार सिद्धि कुमारी को निर्दलीय सुभाष चंद्रा को वोट डालना था, लेकिन उनके घनश्याम तिवाड़ी को अपना वोट दे दिया। इससे भाजपा उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी जीत तय मानी जा रही है। इधर निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा मतगणना से पहले ही विजयी उम्मीदवारों और मुख्यमंत्री को जीत की बधाई देकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। एक तरह से उन्होंने चुनाव से पूर्व ही हार स्वीकार कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्रॉस वोटिंग की आशंका की वजह से खुद को कांग्रेस के पोलिंग एजेंट बने थे और उन्होंने सुबह 9 बजे सबसे पहले वोटिंग उन्होंने ही किया। व्हिप का उल्लंघन है, नोटिस देंगे, कार्रवाई करेंगे। कब तक हो जाएगी कार्रवाई? कब तक का समय नहीं है, जवाब तो आएगा। किसी को सजा देने के पहले उसको भी सुनाया तो है। परिणाम से की क्या उम्मीद है? परिणाम कैसे आएंगे? परिणाम कैसे आएंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपने हमने पहले सोचा वही आ रहे हैं, कोई परिणाम नए थोड़ी आए। पर हमने वोट ने घुटनों के बल पर तो चला दिया ना, हमारे पास जीतने लायक वोट थोड़ी था, ये तो हम भी जानते थे। हर तो कांग्रेस पार्टी की सरकार की नैतिक हार है। इसमें आपके अपनों की भी परीक्षा हुई? इसमें ऐसा है कि चुनाव ऐसी चीज होती है, उसमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। इसमें आपको लगता है जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ? बिल्कुल, गीता में यही कहा गया है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। काम करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। जी जी जी, आप संतुष्ट हैं कि पार्टी के विधायकों ने जो प्रशिक्षण दिया था वो काम आया? बिल्कुल, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। उनको मैसेज मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की ताकत के दम पर, पैसे के दम पर जहाँ भी वोट को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, वहाँ उसको कैसा सबक मिलना चाहिए, वो सबक राजस्थान में मिलेगा। ये तय बात है, राज धर्म कुछ सिद्धांत सिखाता है और उन सिद्धांतों के तहत जब जनता के मुद्दे गौण हो जाए और केंद्र की सरकार सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए, राजनीतिक सनसनी पैदा करने के लिए, अपनी ताकत के जरिए पूरे देश में ये मैसेज देने के लिए कि हम ही सब कुछ है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करे, राज्यसभा चुनावों को भी, और हमेशा तोड़फोड़ करके इस तरह के, जब भी राज्यसभा के चुनाव हुए अलग स्टेट में बीजेपी ने सब जगह रिकॉर्ड कायम किया हॉर्स ट्रेडिंग का। गुलाब जी ये कह के गए छठी का दूध याद दिला दिया हमने कांग्रेस पार्टी को, इसलिए सीएम को वहां बैठना पड़ रहा है। गुलाब जी के साथ दिक्कत एक है कि वो महाराणा प्रताप की धरती से आते हैं लेकिन उनके सिद्धांतों को नहीं मानते। उनको ये सीखना चाहिए कि स्वाभिमान और गौरव के प्रति महाराणा प्रताप तो सच और वीरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन गुलाब जी भाई साहब कम से कम ये तो देखो आपके हालात क्या है ना, तो आप विपक्ष की भूमिका निभा पाए, आप कोई भी काम नहीं कर पाए। अब आप राज्यसभा के जरिए मैसेज देना चाहते थे, ये वो दिन भूल गए जब इनकी जमानतें जब हुई थी उपचुनाव में, तो वही हालात आज होंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि बीजेपी के वोट भी बीजेपी को पूरे नहीं मिले, ऐसे हालात का बीजेपी कर गए कि राजस्थान के इतिहास की पहली घटना है जब मुख्यमंत्री खुद बैठेंगे वोट देखने के लिए। नहीं, उनको एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी का ये बड़प्पन है, एक मुख्यमंत्री पहले विधायक है और विधायक होने के बाद पार्टी के विधायक दल के नेता है। यदि मुख्यमंत्री खुद बैठ रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और ये कौन होते हैं मुख्यमंत्री के लिए डिसाइड करने वाले? ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि झोंपड़ी में कब जाना है, चाय झोंपड़ी में कब पीनी है, फुटपाथ पे कब बैठना है, और जनता के बीच में जाकर जहाँ नरेगा का काम चल रहा है वहाँ फावड़ा उठाकर कब मेहनत करनी है। यदि मुख्यमंत्री गरीब में जनता के बीच में फुटपाथ पर जाकर बैठता है और MLA के बीच में बैठकर काम करता है तो उसका दर्द राठौड़ साहब को इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी सरकार के समय में ना तो मुख्यमंत्री मिलते थे MLA से, ना मंत्री मिलते थे, इनके आपस में कम्युनिकेशन गैप जबरदस्त था, वो दर्द इनको दिखाई दे रहा है। तो